अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 201 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने फंक्शंस के एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था और इसमें हमने फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स दी गई हैं, लेकिन लेक्चर की तरफ से आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। इसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, ठीक है। और देन हमने फाइंड आउट करना है कि अगर इसमें हम 1 पुट करें या 4 पुट करें तो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ वो दी जाएंगी क्वेश्चंस में, तो आपने जस्ट पुट करनी है। जरा हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 2, 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है वो हमारे पास x कंसीडर की जाती है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को हम x कहते हैं और इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और 4 जो है हमारे पास, इसको हम सेकंड वैल्यू को y कहेंगे, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x है और सेकेंड वैल्यू y है, लेकिन हमें यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, ठीक है। इसको ज़रा हम करते हैं इसको सॉल्व। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है। अब उन्होंने कहा है कि आपने इसमें 1 पुट करना है, यानी अगर हम x की जगह 1 पुट करते जाएंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x होगा हमने वहाँ 1 लगाना है। 2x² है तो यानी हमारे पास 1 का स्केयर आ जाएगा -1, ठीक है। अब 2 1 का स्केयर तो 1 ही होता है ना, तो और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा -1, तो हमारे पास ये जो है एफ ओ 1 जो है 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हैंड आउट्स में, हमारे पास 1 पुट किया सेम है, तो हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट उसने 4 पुट किया है सिंपली, तो आपने x की जगह 4 पुट कर देना है, क्योंकि x स्केयर है इसलिए 4 का स्केयर आएगा 2 - -1। यहाँ पे फोकस केयर जो होता है वो हमारे पास 16 होता है, 16 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 32 बन जाएगा, और उसमें से -1 होगा 31 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने -2 पुट किया है, ठीक है। 2 - -2 का स्केयर -1। अब -2 का स्केयर बच्चे 4 होता है। अगर हमारे पास पावर इवन हो तो ये सैम्पल चेंज हो जाता है, और अगर हमारे पास ओड हो तो ये सैम्पल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, और -1 7 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने जो है वो t - 4x की जगह पुट किया है, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। x की जगह क्या पुट किया है, t - 4, t - 4, ठीक है। और जो हमारे पास फंक्शन तो यही है ना, फंक्शन हमारे पास यही है, इसमें हमने x की जगह t - 4 पुट करते जाना है, इज इक्वल टू x की जगह हमने t - 4 पुट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2x का स्केयर, 2x की जगह हम लिखेंगे 2t - 4 होल का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास x का स्केयर है ना -1। अब हम क्या करेंगे, 2 ये t - 4 हम फार्मूला लगाएंगे इसकी, ठीक है, ओपन करने के लिए। तो हमारे पास ये बन जाएगा t² - 8t। ये फार्मूला तो सबको आता होगा क्योंकि स्टार से ये आप स्टडी कर रही हैं, +16, ठीक है। तो इससे अब हमारा स्केयर जो है वो ख़त्म हो गया है -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें अब 2 बाहर है तो हम 2 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई सब वैल्यू के साथ करते जाएंगे, तो ये हमारे पास 2t² आ जाएगा -16t आ जाएगा +32, ठीक है। क्योंकि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। और ये -1 7 आ जाएगा।
अब आप क्या करेंगे कि 32 में से 1 को माइनस किया तो 33 आ जाएगा, वो बाकी सेम है वही वैल्यूज 2t2, क्योंकि बाकी की जो वैल्यू पावर है वो हमारे पास चेंज है, इसलिए हम सेम एज नीचे राइट कर देंगे, 16t यहाँ पे प्लस है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं आपके ये हैंड आउट्स में इस तरह 2t² प्लस 31 माइनस 16t, ठीक है, सेम एज वैसे सॉल्व किया गया है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट्स, उसने कहा कि ये फंक्शन के कुछ पॉइंट्स पर ये वैल्यूज हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि नाउ वी विल कंसिडर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक्स और वाई। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल था एक्स, लेकिन अब हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, एक्स और वाई। सो कंसीडर दिया गया है, देन एफ जीरो हमने एक्स की जगह पुट करना है, वाई की जगह 1/2, इसी तरह जी की जगह भी 1/2 पुट करना है। हमें फंक्शंस दिया गया है, उसमें हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कंसीडर द फंक्शंस एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब प्लस 3, देन एट सर्टेन पॉइंट्स वी हैव, ठीक है, हमें ये वैल्यूज भी दी गई हैं एफ 2 1 2, ठीक है, 2 हमारे पास एक्स की जगह होंगी, वाई हमारे पास की जगह 1 होगा, 2 की जगह हमारे इसमें जी की वैल्यू है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा हम देख लेते हैं कि किस तरह किया गया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई जी, ठीक है, 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई का क्यूब, वाई का स्केयर, जी का क्यूब प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है 2 1 2। 2 हमारे पास एक्स की जगह पुट किया जाएगा, ठीक है, वाई की जगह हम 1 पुट करेंगे और सी की जगह पे हम 2, ये हमने ऐसे पुट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि वाई का स्केयर है इसलिए हमने 1 का स्केयर लिया है और जी का क्यूब है इसलिए 2 का क्यूब लिया है, प्लस 3 सेम ऐसा आ जाएगा, 2 आ जाएगा सेम। अगर हम 1 का स्केयर लें तो हमारे पास 1 आता है और 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, जबकि 2 का क्यूब लें तो 8 आ जाएगा प्लस 3, 18 8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 16 बन जाएगा प्लस 3 तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है एफ इंटू 2 1 2 का जो फंक्शंस की वैल्यू है 19 आ गई है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं 19 इसका आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास फंक्शन में 0 कहा है कि 0 0 पुट करना है, एक्स की जगह भी वाई की जगह 0 की जगह, तो हमारे पास जी की जगह तो हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमने ए पुट करना है, सेम एज जो है सारी वैल्यूज उन्होंने दी हैं। बहुत सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का, आपने जस्ट वैल्यूज आपको फंक्शंस की दी जाएंगी, आपने उसमें देखना है कि एक्स एक फंक्शन है सिंगल है तो आप एक्स में पुट करेंगे, 2 वेरिएबल्स हैं तो एक्स वाई होगा, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो एक्स वाई जी आपकी होंगी वैल्यूज, तो आपने सिंपली पुट करनी है एफ इंटू टी टी स्केयर माइनस टी, टी हमारे पास एक्स की जगह आएगा, टी स्केयर वाई की जगह और माइनस टी जो है हम ये जी की जगह पुट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंसीडर द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया गया है एक्स स्केयर वाई स्केयर जी 4, वेयर एक्स इंटू टी इज इक्वल टू टी क्यूब, वाई इंटू टी जो है वो टी स्केयर के इक्वल है और जी इंटू टी टी के इक्वल है। इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। एफ एक्स वाई जी यही है ना हमारे पास, लेकिन हमने एक्स वाई जी की जगह जो है वो फंक्शन में एक्स इंटू टी लेना है, वाई इंटू टी लेना है और जी इंटू टी ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हम जो है इस में पुट करनी है हमने, अब एक्स स्केयर है तो हमारे पास एक्स इंटू टी का स्केयर हो जाएगा, जैसे ये दिया गया है वाई स्केयर वाई इंटू टी का स्केयर, जी स्केयर जी की 4 जी इंटू टी का 4 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास देखें, उन्होंने वैल्यूज दी गई हैं कि हमारे पास जो है वो वाई की टी टी स्केयर के इक्वल है, एक्स स्केयर जो है इंटू टी टी क्यू के इक्वल है, तो हम देखेंगे एक्स इंटू टी जो है टी क्यू के इक्वल राइट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो हम इसके ऊपर स्केयर भी ले लेंगे और वाई इंटू टी जो है वो टी स्केयर के हैं तो ये टी स्केयर के है और यहाँ पे ऊपर होल का स्केयर है इसलिए हमने होल का स्केयर ले लिया है और जो हमारे पास है जी इंटू टी 4 हमारे पास टी के इक्वल है, हम टी के इक्वल ले लिए हैं, होल का स्केयर 4 है यहाँ पे जो कि दिया गया है तो हमने उसको 4 लगा लिया। इसी तरह हमारे पास ये है कम सिंपली करने के बाद जो है वो टी की पावर 14 है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है वो 0 पुट करना है, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 जो है जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आता है, इसलिए हमारे पास इसका 0 आ गया है। नेक्स्ट उसने कहा कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन एक्स वाई जी, ये हमारे पास फंक्शन सेम एज दिए गए हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किए थे, प्लस एक्स 10 और हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, आपने सिंपली इसमें जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है सेम वैसे ये है, तो ये आप खुद कीजिएगा। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं,
इसी एग्जाम्पल्स को ज़रा हम करके देखते हैं, ठीक है, खुद सॉल्व। ये देखें, ये हमारे पास जो है गिवन फंक्शंस है जी इंटू एक्स वाई सी, ठीक है, थ्री वेरिएबल्स हैं और इसकी वैल्यू है जी साइन एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह यू दिया गया है, वी और डब्ल्यू, और इनकी हमारे पास जो है वैल्यूज दी गई हैं एक्स के जी क्यूब पी एक्स वाई सी और एक्स वाई सी ओवर जी, ठीक है। हमने जो है इनकी इनकी जगह हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है हमसे कि ये हमारे पास जो है जी एक्स वाई सी ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और नीचे हमारे पास एज अ वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमने इनको इस फंक्शंस में पुट करना है। मैंने ये फंक्शन ऐड कर लिए हैं अगेन, ठीक है, इज इक्वल टू जी साइन एक्स वाई, ये वाला फंक्शन। अब हमारे पास जो है आपने ये याद रखना है कि ये वाले जो है यू की जो वैल्यू है हम इसको एक्स की जगह पे पुट करेंगे, वी की वैल्यू को वाई की जगह पे, डब्ल्यू की वैल्यू को जी की जगह पे, ठीक है। आपने जो है इनकी ये वाली वैल्यूज़ को पुट करना है, ये वाली जो दी गई है। इसी तरह आपने y की वैल्यूज़ को ये वाली को पुट करना है और x की भी सेम है, ऐसे ही आएगा, आपने इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब आपके पास जो है z साइन एक्स वाई है, z की जगह हमने किसको पुट करना है, ठीक है, एक्स वाई ओवर z को, ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास साइन सेम ऐसा आ जाएगा और x की जगह पे हमने पुट करना है, ये सामने x की वैल्यू देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जी क्यूब, ये मैंने पुट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास y है, y की वैल्यू आप देख सकते हैं पी एक्स वाई जी, मैंने पी एक्स वाई जी को पुट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्स वाई ओवर सी सेम आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा और पी भी आ जाएगा। और अगर हमारे पास जो है इनकी बेस सेम हो तो हम इनको पावर को सम अप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो हमारे पास ये एक्स का क्यूब बन सकते हैं। और इसी तरह वाई हमारे पास एक ही है और जी हमारे पास जी का क्यूब है और जी यहाँ पे है, तो ये जी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें हमारे पास है कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन दिया गया है जी एक्स वाई और वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स के वाई, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और ये हम एज अ वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, यू इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स केयर वाई क्यूब, ये हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है वी इंटू एक्स वाई पाई एक्स वाई, तो हमारे पास ये वैल्यू हम जो है वाई की जगह पे पुट करेंगे। अब इसे देख लेते हैं, ये मैं सिंपली आपको दिखा देती हूँ। वाई की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी थी पाई एक्स वाई, ठीक है, ये पुट कर ली है। साइन सेम एज वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, लाइक स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसलिए हम होल का स्क्वायर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होल का स्क्वायर ले लिया है और वाई की जगह पे जो है पाई एक्स वाई, पाई एक्स वाई हमने पुट कर ली है, सिंपल पाई एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा साइन। और इन हमने जो है क्योंकि स्क्वायर है तो इस वजह से जो है इनकी जो हमारे पास पावर में है तो वो आ जाएंगी इस तरह पाई एक्स फाइव और वाई की पावर 7, ठीक है। तो ये सिंपल से मेथड में से करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसके आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, ये हमने पीछे अभी डिटेल से डिस्कस किए हैं, इनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व की हैं। तो वो फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही रियल नंबर हो या वेरिएबल जिस तरह एक्स हो, ठीक है, उसमें हम कहेंगे कि ये फंक्शन एक वेरिएबल रखता है और इसमें हमारे पास जो है इसमें एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें एक ही पॉइंट एक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास कहा कि फंक्शन अगर टू वेरिएबल्स हो, इसमें टू वेरिएबल्स एक्स वाई आ जाएंगे और ये हमारे पास जो है असाइन किया जाता है यूनिक रियल नंबर एफ एक्स वाई को, ठीक है, एफ एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने को। और इसमें दो पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन पर। नेक्स्ट थ्री वेरिएबल्स में हमारे पास थ्री वेरिएबल्स जो है रियल नंबर्स कह सकते हैं एक्स वाई जी होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है एक्स वाई जी का इसमें फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है और तीन पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई जी और इसमें थ्री डायमेंशन स्पेस होता है ये। और फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स, जिस तरह हमारे पास अगर फंक्शन एक्स वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल होगा तो हम एक्स लगाएंगे, इसी तरह एन वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एस ऑन एक्स एन तक जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये नंबर ऑफ फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसमें पॉइंट्स भी जो है वो ईच पॉइंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस ऑन एक्स एन तक जाएंगे, ठीक है, और इसको हम एन डायमेंशनल स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल्स एंड डिस्क, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमने वो पीछे भी डिस्कस किए थे, मैं आपको बताती हूँ जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो हमने देखना है कि हमारे पास पैराबोला की शेप है वो किस तरह बनेगी।
बेसिकली पैराबोला की फोर टाइप होती हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट टू डिस्कस की गई हैं, अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन अपवर्ड तब होगी जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए ग्रेटर देन हो जीरो के, यानी ए पॉजिटिव होगा तब इसकी अपवर्ड होगी पोजिशन, अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन जीरो से होगा तब ये है डाउनवर्ड ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। तो और हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब भी इसका अपवर्ड होगा। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह देकर पूछ सकते हैं कि इसमें जो पैराबोला है वो ओपनिंग डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी तरह अगर हमने इसमें से एक्स निकालना हो तो माइनस पी ओवर टू ए इसका फार्मूला आ जाता है। स्केचिंग ऑफ द ग्राफ ऑफ पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स के प्लस पी एक्स प्लस सी, इसको हम मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राफ को स्केच करना है कि इसकी शेप जो है वो किस तरह बनती है, कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे मूव कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स इज गिवन बाय, ये एक्स की आपने रट्टा मार लें, ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी वैल्यूज निकाली गई है बी की, ठीक है, सॉरी एक्स की, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी ओवर टू ए। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज, ठीक है, ये आ जाएगा हंस वर्टेक्स। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्केच दी पैराबोला माइनस एक्स के प्लस फोर एक्स, हमने ये स्केच करना है कि पैराबोला जो है वो किस साइड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए माइनस वन के इक्वल है और लेस देन है जीरो से, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन होगा तो ये अपवर्ड होगा, अगर हमारे पास ए लेस देन होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, क्योंकि माइनस वन हमारे पास जीरो से छोटा है, तो इसी वजह से हमारे पास इसका जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा पैराबोला, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसकी एक्स की वैल्यू टू दी गई है, सेम हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स में, ठीक है, टू पुट करना है तो हमारे पास फोर आ जाएगा, तो वर्टेक्स हमारे पास दो आ जाएंगे, टू और फोर, तो ये सिंपली इस तरह सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है सेम एज ऐसे ही होगा, आपको फंक्शन दिया जाएगा, आपने इसमें देखना है कि ये एस जो है वो जीरो से लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो उस हिसाब से आपने पैराबोला बताना है कि ये अपवर्ड होगा या इसके वर्टेक्स डाउनवर्ड होंगे, तो फंक्शन में वैल्यूज पुट करने के बाद आपने उसके वर्टेक्स निकाल देने हैं। ये सारे इसी तरह के हैं, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।